तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक्स में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। टॉपिक का नाम है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल सुना होगा आपने, थर्मोडायनामिक्स की जान है, हीट इंजन्स के केस में खास करके। अराउंड 1824 निकोलस लियोनार्ड सैडी कार्नोट, जो कि एक फ्रांस का साइंटिस्ट था, मैकेनिकल इंजीनियर ऑफ फ्रांस, उसने इस साइकिल को इंट्रोड्यूस किया था। तो सैडी कार्नोट के नाम से ही इसको कार्नोट साइकिल बोला गया, कार्नोट साइकिल। तो जो इंजन कार्नोट साइकिल के ऊपर काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कार्नोट इंजन। ठीक है, उसमें हम बाद में चलेंगे, पहले हम देखते हैं, समझते हैं कि कार्नोट साइकिल होता क्या, क्या कहा था कार्नोट ने, इस साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेसेस है। साइकिल का मतलब है थर्मोडायनामिक साइकिल, तो थर्मोडायनामिक साइकिल में कुछ प्रोसेसेस होंगी, दो तीन चार प्रोसेसेस, तो वो प्रोसेसेस कौन सी हैं उसको समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं एक प्रेशर वॉल्यूम थर्मोडायनामिक चार्ट। इस तरफ प्रेशर लिया, इस तरफ वॉल्यूम लिया, ये बन गया थर्मोडायनामिक का एक चार्ट, थर्मोडायनामिक चार्ट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से चार प्रोसेसेस हैं कार्नोट साइकिल में, पहले ये समझते हैं। देखो नंबर वन प्रोसेस जो है, हम कह देते हैं प्रोसेस 1-2 जो चलेगी वो क्या होगी, आइसोथर्मल हीट एडिशन। साइकिल में हीट को ऐड किया जाएगा, लेकिन कैसे, आइसोथर्मली। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, प्रोसेस हो जाती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर। ठीक है, पहले मैं प्रोसेसेस का नाम लिख देता हूं, बाद में हम यहां पे प्लॉट करके देखेंगे। उसके बाद प्रोसेस आती है 2-3। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये है एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, ये सब प्रोसेसेस मैंने शुरू के लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर रखी हैं। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, एडियाबेटिक का क्या है, अच्छे से हमने देख रखा, वो सारे लेक्चर्स आप देख लेना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद 3-4 ये प्रोसेस कौन सी होगी, अगेन इट विल बी आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, बट यहाँ हीट रिजेक्ट होगी, सो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। इसमें हीट ऐड किया गया था, इसमें हीट को रिजेक्ट किया जाएगा सिस्टम से। उसके बाद 4-1 प्रोसेस होगी एडियाबेटिक कंप्रेशन की, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, इसका उल्टा, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है। घबराना नहीं है, बड़े आसानी से आपको समझ में आने वाला है। पहले मैंने प्रोसेसेस के जस्ट नाम लिख दिए, 1-2-3-4, इस तरह से ये प्रोसेस चलेगी, प्रोसेस 1-2-3-4। तो आइए इसको समझते हैं अपने थर्मोडायनामिक चार्ट में। सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस चलेगी 1-2, यानी सिस्टम सबसे पहले एक वन स्टेट के ऊपर है, मान लो ये है स्टेट वन। अब सिस्टम क्या करेगा, 1-2 की तरफ चलेगा, जिसमें आइसोथर्मल हीट एडिशन होनी है। आइसोथर्मल हीट एडिशन का मतलब, जैसे मैंने पहले बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हम उसमें हीट ऐड करते चले जाएंगे सिस्टम में, हीट ऐड करते चले जाओ, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए। ठीक है, तो वो जब प्रोसेस होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें आप देखोगे कि प्रेशर में ड्रॉप आपको मिलेगा, प्रेशर में ड्रॉप आपको हल्का सा मिलेगा और वॉल्यूम में आपको अच्छा खासा इंक्रीज मिलेगा। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से चलेगी, ध्यान दो, ये इस तरह से प्रोसेस चलेगी, ये कुछ इस तरह से, तो आपके पास स्टेट पहुंच जाएगी, स्टेट नंबर टू। और इस प्रोसेस में क्या हुआ है, इस प्रोसेस में आपने आइसोथर्मली हीट ऐड की है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। मैंने एक शुरू के लेक्चर में आपको ये भी बताया था, जिसमें सभी प्रोसेसेस जो है हमारे पास, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक, वो सारी एक ही प्लॉट में आपको दिखाई थी मैंने, वहां से आपको पता लगता था कि किस प्रोसेस का स्लोप कैसा है, है ना। तो जो स्लोप ज्यादा है वो कौन सी होगी, जो स्लोप कम है वो कौन सी होगी प्रोसेस, वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया था, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत साउंड चीज थी वो, जरूर देखना आप। तो यहां जो प्रोसेस हुई है 1-2, इसमें आइसोथर्मली हीट ऐड हुई है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है लेकिन इसमें हीट ऐड हुई है, तो हमने हीट इसमें दी है, इसको मैं लिख देता हूं QS, यानी हमने हीट सप्लाई की है, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेस होगी 2-3 वो होगी एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस कैसे चलेगी, देखो 2-3 अगेन एक्सपेंशन होगी, तो थोड़ा सा वॉल्यूम तो बढ़ने वाला है, वॉल्यूम 2 से बढ़ने वाला है इस तरफ। ठीक है, और प्रेशर में भी थोड़ा सा ड्रॉप आपको दिखेगा, तो ये आप 2-3 यहां पर आ जाओगे।
टू से थ्री, ये प्रोसेस हुई है एडियाबेटिकली, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ आपको, थ्री टू फोर आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, यानी कि अब हीट उसमें से रिजेक्ट कर ली गई, सिस्टम में से हीट रिजेक्ट कर ली गई, और जब हीट बाहर निकालेंगे क्या होगा, उससे क्या होगा, फिर वॉल्यूम में कमी आपको दिखेगी, कंप्रेशन है ना, ये एक प्रकार से आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन में भी कंप्रेशन ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो प्रोसेस कुछ ऐसे चलेगी देखो, और प्रेशर में थोड़ा सा राइज आपको मिलेगा, तो थ्री टू फोर समवेयर हेयर यू विल गेट द पॉइंट फोर, पॉइंट फोर आपको यहां कहीं मिल जाएगा, और इसमें हीट रिजेक्ट हुई है। रिजेक्शन को हम कैसे दिखाएंगे, ये हमारा साइकिल है ना, सो साइकिल से बाहर की तरफ इस तरह से क्यू आर, ये रिजेक्टेड हीट है, ये साइकिल के इनवर्ड है, यानी साइकिल के अंदर हीट आ रही है। अब 4 टू 1 क्या हुआ, एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो दोबारा से प्रोसेस एक होगी 4 टू 1 जो कि इसको इनिशियल पोजीशन पर ले जाएगी, बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पर, 1 स्टेट पर दोबारा से ले जाएगी, और ये प्रोसेस होगी एडियाबेटिक कंप्रेशन की। तो वॉल्यूम कम हुआ, V4 ज्यादा था, V1 कम है, वॉल्यूम कम हुआ है तो कंप्रेशन ही है, और प्रेशर इसमें बड़ा है, कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम चार्ट के ऊपर कार्नोट साइकिल बनता है, ध्यान दीजिए। अगर इसी साइकिल को हमने टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व पर देखना है, टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व जरा उसको भी देखते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज हमारे पास इस तरफ है टेम्परेचर और इधर है एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर है, एंट्रोपी टर्म जो है वो अभी हम मैंने इंट्रोड्यूस नहीं की है अपने लेक्चर्स में, ये अभी थोड़े लेक्चर्स के बाद में आने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल इस डायग्राम को हम यहाँ पर प्लॉट करके देख लेते हैं। टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व पर हम देखते हैं, सबसे पहले 1 to 2 आइसोथर्मल हीट एडिशन है, यानी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहने वाला है, हीट ऐड करोगे, जब आप किसी चीज में हीट ऐड करते हो तो रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस, ध्यान दो, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स हर सब्सटेंस के जो भागदौड़ कर रहे हैं या एक ऑर्डर में है या नहीं है, जैसे भी हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। उसी से एंट्रोपी डिफाइंड होती है, एंट्रोपी मतलब कितनी ज्यादा रैंडमनेस है मॉलिक्यूल्स में। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आंखें बंद करके कह सकते हो कि एंट्रोपी बढ़ने वाली है, टेम्परेचर कम करोगे तो एंट्रोपी कम होने वाली है, क्योंकि रैंडमनेस कम होने वाली है। तो यहां पर आइसोथर्मली हीट ऐड करोगे तो आपको पता है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, अगर टेम्परेचर 1 था तो यहां पर 2 पर भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा, सेम रहेगा टेम्परेचर एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, जो भी यहां पर टेम्परेचर था, लेकिन एंट्रोपी बढ़ जाएगी हीट ऐड करने की वजह से, और एंट्रोपी स्केल पर है तो हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन एक दिखा सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल हीट एडिशन, इसमें हीट ऐड की गई है, सो यू कैन शो द हीट एडिशन एज क्यू एस, क्यू सप्लाइड, ठीक है जी। उसके बाद 2 to 3 क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन जिसमें हीट लॉस नहीं होती, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, एंट्रोपी भी कॉन्स्टेंट रहने वाली है। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको सुनने में अभी अटपटा सा लगेगा, लेकिन मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाले लेक्चर्स में। अभी आप इतना याद रखिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। अब यहां पर ये प्रोसेस कौन सी है, एडियाबेटिक और रिवर्सिबल भी है। रिवर्सिबल क्यों है, मैंने अभी तक ये आपको डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन अब बता रहा हूं, एवरी प्रोसेस इन कार्नोट साइकिल, प्लीज नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, एवरी प्रोसेस आउट ऑफ दीज 4 प्रोसेसेस, एवरी प्रोसेस इन कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, ये प्रोसेस कौन सी है, रिवर्सिबल है, ये कौन सी है, रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल, चारों प्रोसेसेस रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, ध्यान दो। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होती है, ये भी शुरू के लेक्चर्स में मैंने बताया था, वो देख लेना आप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ मिल जाएगा, पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट है। तो रिवर्सिबल है हर प्रोसेस, तो दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहती है, वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बनती है, बाद में मैं आऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, वहीं पहुंचने वाला हूं, लेकिन अभी याद कर लो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक मींस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, और एक्सपेंशन हुई है तो टेम्परेचर तो गिरेगा ही, है ना, तो प्रोसेस बिल्कुल वर्टिकली इस तरह से आपकी चलेगी, कुछ इस तरह से देखो, 2 to 3 एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन,
बिल्कुल नीचे की तरफ आप आओगे, स्टेट आपको 3 यहां पे मिल जाएगी दिस वे। उसके बाद आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हीट को निकाल दिया गया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इस तरह से प्रोसेस आएगी, हीट निकालोगे तो एंट्रोपी कम होगी, हीट डालोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो प्रोसेस किस तरफ आएगी, पीछे की तरफ आएगी। तो शो कर देते हैं, देखो बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल प्रोसेस इस तरह से इसके पैरेलल, और आप 3-2 कहां पर आ जाओगे, 4 पर, ठीक है जी। और इस प्रोसेस में क्या हुआ है, हीट रिजेक्ट हुई है, हीट रिजेक्शन को हम QR दिखाएंगे इस तरह से बाहर की तरफ, QR। और देन रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो एंट्रोपी क्या होने वाली है, कांस्टेंट, और कंप्रेशन है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा ना, बिल्कुल सीधी प्रोसेस आएगी क्योंकि एंट्रोपी होने वाली है कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो प्रोसेस आएगी बिल्कुल स्ट्रेट वे कुछ इस तरह से, 4-2-1, 4-2-1। तो ये आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो आइए अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं कार्नोट साइकिल के ऊपर। ये तो हो गया कि साइकिल चलता कैसे है, ठीक है, ये तो पहली बात होगी थ्रेटिकली जो मैंने आपको दिखाया। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। नंबर वन, जैसा मैंने आपको बताया कि एवरी प्रोसेस इज रिवर्सिबल इन कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल में हर प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो जब चारों प्रोसेसेस रिवर्सिबल हैं, इसका मतलब हो गया कि पूरा का पूरा साइकिल रिवर्सिबल है। तो कार्नोट साइकिल कौन सा साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल है। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज ए रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल। तो पहली बात तो यही हो गई। अच्छा, रिवर्सिबल साइकिल है तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ एनी थर्मोडायनामिक साइकिल अपॉन विच अ हीट इंजन कैन वर्क। मैं क्या कह रहा हूं, कोई एक हीट इंजन किसी एक थर्मोडायनामिक साइकिल के ऊपर चलता है ना, ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, डुअल साइकिल है, जो भी है वो, इन उन सभी साइकिल्स में से मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला साइकिल अगर कोई हो सकता है तो वो कार्नोट साइकिल होगा। ध्यान दो, मैक्सिमम एफिशिएंट साइकिल। तीसरी बात, मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब 100% नहीं है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, इज नॉट इक्वल टू 100% की बात नहीं है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग 100% एफिशिएंसी वाला साइकिल तो कोई हो ही नहीं सकता। वो तभी पॉसिबल है अगर दो रेजरवायर के बीच में इंट्रैक्शन ना हो करके एक रेजरवायर के साथ इंट्रैक्ट करे, सोर्स और सिंक में से। पिछले लेक्चर्स देखो, अभी रिसेंटली जो मैंने अपलोड किए हैं, सारा समझ में आएगा। तो 100% एफिशिएंसी तो किसी भी साइकिल की होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, 100 से कम ही होगी। अब वो 20% होगी, 30 होगी, 35 होगी, 40 होगी, उन सब में जो मैक्सिमम अगर पॉसिबल किसी की है तो वो कार्नोट साइकिल की होगी। ये दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट। और तीसरी बात क्या है यहाँ पे, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइकिल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टू कंस्ट्रक्ट एंड डेवलप। क्या कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इस साइकिल को मैंने यहां बोर्ड पे आपको समझा दिया, लेकिन अदरवाइज अगर आप इसको बनाने जाओगे तो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। इस साइकिल को चला पाना और इसके ऊपर हीट इंजन बना पाना इम्पॉसिबल है, सिरे से खारिज है, इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों, ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। ध्यान दो, लिमिटेशंस ऑफ कार्नोट साइकिल में ये बात आती है, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एज वेल एज डेवलप। अदरवाइज ये तो मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला साइकिल है, फिर तो सारे इंजन इसी के ऊपर रन करें, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बनाया जाना। क्यों, ये इसकी लिमिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, एक मिनट में समझ लो। ऐसा क्यों है, इसका रीजन सीधा सीधा ये है, क्योंकि इसमें जो दो प्रोसेसेस हैं, देखो 1-2 प्रोसेस थी आइसोथर्मल हीट एडिशन, 2-3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी ये आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक, फिर 3-4 आइसोथर्मल, फिर ये 4-1 एडियाबैटिक। ध्यान दो, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, एक बार में आइसोथर्मल प्रोसेस चलेगी, दूसरे बार में एडियाबैटिक चलेगी, तीसरे बार में आइसोथर्मल चलेगी, चौथे बार में एडियाबैटिक चलेगी। ये प्रोसेस कैसे चलती है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट याद है ना, पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है, ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, या बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन अरेंजमेंट ऑफ द सिलेंडर। तो अब इसमें क्या है भाई साहब, इसमें दो प्रोसेसेस जो हैं वो तो चल रही हैं एडियाबेटिक मोड में, दो चल रही हैं आइसोथर्मल मोड में, और आइसोथर्मल जो प्रोसेस है यानी कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वाली प्रोसेस, और ऊपर से उसमें हमने हीट ऐड करनी है,
हीट ऐड करनी है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए वर्किंग सब्सटेंस का, सिस्टम का। ऐसे ही हीट रिजेक्ट करनी है, निकालनी है उसमें से, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल हो सकता है अगर आप प्रोसेस को बड़ी धीरे 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 करके चलाओ। पिस्टन इतना स्लो रेट पे चलना चाहिए, इतना स्लो रेट पे चलना चाहिए कि जब आप उसमें हीट ऐड कर रहे हो तो हीट ऐड करते करते इतनी स्लो मूवमेंट की वजह से वो हीट साथ साथ में डिसिपेट होती चली जाए सराउंडिंग में, अंदर का टेम्परेचर ना बढ़े। बात आपको समझ में आई? अंदर का टेम्परेचर ना बढ़े, हीट आप ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन सिस्टम धीरे 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 चल रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट चल रही है स्ट्रोक की। जितनी हीट ऐड करने से अंदर टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है, उतनी हीट बाहर रिजेक्ट हो रही है, बाहर चली जा रही है। क्यों जा रही है बाहर? क्योंकि उसको हम कहेंगे हीट लॉस, वो होना चाहिए। साथ साथ में हीट लॉस होने का उसको सफिशियंट टाइम मिल रहा है, क्योंकि प्रोसेस बहुत धीरे 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 चल रही है। तो इतना टाइम उसके पास है कि जितनी आप हीट ऐड कर रहे हो उससे बढ़ने वाला टेम्परेचर अपने आप वो कंट्रोल होता चला जाए, जितना टेम्परेचर है उतना ही रहता चला जाए। उसके लिए प्रोसेस को बहुत धीरे 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 चलाना चाहिए, ठीक है जी। जबकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब, एडियाबैटिक का मतलब होता है जिसमें हीट लॉस ना हो। तो हीट लॉस नहीं करना है तो सुपर फास्ट मोड में स्ट्रोक जाना चाहिए। बात समझ में आई? एक प्रोसेस तो बहुत धीरे 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 चलेगी, इतना धीरे कि आप सुबह से बैठो शाम तक कंप्लीट ना हो, और दूसरी प्रोसेस इतनी फास्ट चलेगी कि पलक झपकते ही कंप्लीट हो। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही तीसरी बहुत स्लो, चौथी बहुत फास्ट। तो ऐसा डिजाइन करना ही प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉसिबल पड़ रहा है हमारे लिए, ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ध्यान देना कि प्रैक्टिकली इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एज वेल एज डेवलप। और चौथा पॉइंट इस साइकिल के बारे में क्या है, वो यही कि अगर ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है बनाया जाना, डेवलप करना, तो फिर भाई ये आप पढ़ा क्यों रहे हो, क्यों हम इसको समझ रहे हैं। इस कार्नोट साइकिल को समझने का, पढ़ने का मकसद क्या है? इट इज ए यूनिक एंड आइडियल साइकिल टू कंपेयर वेरियस हीट इंजन्स एंड साइकिल्स। बस ये इंपॉर्टेंट है, जितने हमारे पास साइकिल्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो कार्नोट साइकिल है ये सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए हमने एक बेंचमार्क रखा हुआ है कि भाई सबसे ज्यादा एफिशिएंट ये हो सकता है, इन दो थर्मल रिजर्वायर्स के बीच में सबसे ज्यादा एफिशिएंट अगर कोई साइकिल हो सकता है तो ये हो सकता है, उसकी इतनी एफिशिएंसी हो सकती है, 100 से तो कम लेकिन इतनी हो सकती है। तो हम जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल हमारा इंजन है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने की हमारी कोशिश है टुवर्ड्स कार्नोट। लेकिन कार्नोट जितना हम कभी भी ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। वैसे भी यहां हर प्रोसेस रिवर्सिबल है भाई, तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती प्रैक्टिकली। आप जानते हो एवरी प्रोसेस इन एक्चुअलिटी इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आप इस साइकिल की एफिशिएंसी की बात करो, लास्ट में देखते जाओ एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल, पिछली वीडियो में भी अभी बताकर हटा हूं मैं लास्ट की वीडियोस में, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाइड। तो ये फॉर्मूला इसके ऊपर भी लगेगा। प्लस लास्ट बात सुन लीजिए, वीडियो बंद होने वाली है। प्लस क्योंकि ये जो साइकिल है रिवर्सिबल साइकिल है, कौन सा साइकिल है, रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल साइकिल के ऊपर, रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक साइकिल के ऊपर एक हमारे पास थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर स्केल एप्लीकेबल है, जो कहता है अगर हम हीट सप्लाइड बटा हीट रिजेक्टेड की बात करें तो वो हो जाएगा टेम्परेचर एट विच हीट इज सप्लाइड बटा टेम्परेचर एट विच हीट इज रिजेक्टेड। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे हीट सप्लाई कर रहे हो, कितने टेम्परेचर पे हीट निकाल रहे हो, तो वो टेम्परेचर की जो रेशियो बनती है एग्जैक्टली वही रेशियो हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड की बनती है, अगर रिवर्सिबल है तो, अदरवाइज नहीं। इसको थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। आने वाली जस्ट 2-3 वीडियोस में मैं इसको इस तक पहुंचने वाला हूं, ठीक है, आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्योंकि यहां पर अप्लाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि रिवर्सिबल साइकिल है, इसलिए यहां पर हमारे पास एफिशिएंसी जो है 1 माइनस QR बटे QS, या इसको आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 1 माइनस TR बाय TS, टेम्परेचर एट विच हीट इज रिजेक्टेड, टेम्परेचर एट विच हीट इज सप्लाइड। तो ये इसके बराबर तो है ही, हर इंजन के लिए है, लेकिन ये इसके बराबर भी है
ओनली फॉर कार्नोट साइकिल बिकॉज इट इज रिवर्सिबल साइकिल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बहुत छोटे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर दिए, लिमिटेशंस भी बता दी, सारा कुछ बता दिया। आप एक बार रिव्यू कर लेना, सारा लेक्चर अच्छे से थोरोली समझ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में जाने वाला हूँ कार्नोट थ्योरम के साथ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं कार्नोट थ्योरम, इसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में उस तक आपको लेके जा रहा हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।